यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में खतरा क्यों बेहिसाब है आपको बताएं। उत्तर प्रदेश तो पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि दिल्ली में भी पहली बार 10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। पिछले साल दिल्ली को वायरस ने बदहाल कर दिया था, लगातार सुर्खियों में थी दिल्ली। हालात को काबू में करने के लिए केंद्र को दखल देनी पड़ी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने अब दिल्ली से ज्यादा यूपी को चिंतित कर दिया है। एक दिन में कल यूपी में 15,353 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली में 10,774 नए केस आए। इस बार वायरस बेहद ताकतवर है, संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। यूपी में लगातार बढ़ते मामलों ने बता दिया है कि सावधानी नहीं बरती गई तो हालात संभल नहीं पाएंगे। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। खासकर राजधानी लखनऊ में ही 4,444 का यह आंकड़ा है। सरकार का मानना है कि त्योहार में आए हुए लोग और लगातार प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आना इसका एक बड़ा कारण है। यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। मास्क अवश्य लगाएं और अपने मुंह और नाक को पूरी तरह से ढकें। शहर शहर चौकसी बरती जा रही है ताकि लापरवाही बंद हो सके। जहां कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वहां प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को चेताया जा रहा है कि कोविड नियमों का पालन जरूर करें। नोएडा पुलिस भी एक्शन में है ताकि हालात को संभाला जा सके। दिल्ली भी फिक्रमंद है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि राजधानी की हालत बेहद चिंताजनक हो चुकी है। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ा है। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। मुख्यमंत्री की चिंता की वजह किसी से छिपी नहीं। कोरोना ग्राफ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि संक्रमण का रिकॉर्ड बन रहा है। राजधानी में कल 10,774 नए केसेस दर्ज किए गए, पहली बार आंकड़े 10,000 के पार पहुंचे हैं। 24 घंटे में 48 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में मौत का आंकड़ा 14 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में लोगों की लापरवाही ने हालात को और बदतर बना दिया है। अस्पतालों में बेड की किल्लत बढ़ती जा रही है, लिहाजा बैंक्वेट हॉल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। कोरोना ने दिल्ली का हाल एक बार फिर से बेहाल कर दिया है। जिस बैंक्वेट हॉल में शादी की शहनाई बजनी थी, वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं। ये घबराने वाली बात तो है ही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरत ना हो वो अस्पताल का रुख ना करें। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। क्राउड कंट्रोल के लिए कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं ताकि स्थिति सुधर सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।